जन जन की आवाज जीएन भारत पे आपका बहुत ही स्वागत है। और रातू रोड में इस आज दिवाली मन रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे दिवाली क्यों मन रहा है। दिवाली इसलिए मन रहा है क्योंकि रातू रोड को नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत बड़ा सौगात दिया है। फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, कॉरिडोर बनेगा यहाँ पे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे आतिशबाजी कर रही है। जैसा मैं चाहूंगी विजुअल हमारे सहयोगी दिखाई, देख सकते हैं लोग जो है वो फटाखा फोड़ रहे हैं, अनार बम फोड़ रहे हैं। ये सब रातू रोड को अब जाम से छुटकारा मिलेगा। 1000 करोड़ की लागत से ये बनने वाली है। हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे बीजेपी पार्टी के कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कुछ आ जाती है, आज ऐसा लग रहा है जैसे आज ही दिवाली मन रही है। दिवाली इसलिए भी मन रही है कि कल प्रधानमंत्री जी रातू रोड के एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करने वाले हैं। और निश्चित रूप से रातू रोड की नहीं, पूरे रांची शहर वासियों के लिए गौरव का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय संजय सेठ जी के नेतृत्व में ये पटाखा जला करके अपना खुशी का इजहार कर रही है। और जनता पार्टी जिंदाबाद। कितना उत्साह है, आप बहुत ज्यादा नारा लगा रहे हैं। बहुत उत्साह है, हमारे सांसद जी का प्रयास से यह रोड का कायाकल्प हो जा रहा है। बहुत जाम लगती थी, बहुत ज्यादा जाम लगती थी, जाम से मुक्ति मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं जाम से, हमारे साथ संजय सेठ भी मौजूद है जो कि सांसद है। संजय जी, बहुत बड़ा सौगात मिल रहा है, आज लगता है दिवाली मना के दम लेंगे। रोड की जनता जिसकी आबादी 4 से 5 लाख है, और उस रोड से वहाँ जाना 5-7 लाख रुक जाते हैं, और जाम से 2-4 होते थे, जो 5 मिनट का रास्ता 1 घंटा लगता था। इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी कर कमलों द्वारा कल हो रहा है। झारखंड का पहला एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, और निश्चित रूप से रातू रोड जनता, ग्रामीण जनता खुशी मना रही है। कल इतना बड़ा उपहार, और फिर हिंदुस्तान के 5 अच्छे शहरों में, अच्छे जंक्शन में, रांची जंक्शन 447 करोड़ लागत से बनने जा रहा है, नगरी में ये आरोपी बनने जा रहा है, लगभग 1100 करोड़ रुपए का रांची शहर को माननीय प्रधानमंत्री उपहार देने वाले। तो आपने साफ तौर पर संजय सेठ को भी कहते हुए सुना है, रांची के सांसद है, कि बहुत बड़ा स्वागत आज दिवाली का मौका है। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से पीछे की कैंडल जलाकर लोग जो है अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि बीजेपी जिंदाबाद। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा स्वागत जो है वो मिल रहा है। और क्या बोलते हैं, रातू रोड को ही नहीं बल्कि नगर, और इससे इससे रांची को ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड को ही होगा, और इससे इस प्रोजेक्ट के बाद और आने वाले प्रोजेक्ट आने वाले उसके लिए भी नए रास्ते खुल जाएंगे। ऐसी आप देखते रहिए जय भारत। मैं शिखा से अपने सहयोगी राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।